हेमा मालिनी ने बताया कैसे फिल्मों से राजनीति में आई। 1998 में पहली बार विनोद खन्ना के लिए किया था प्रचार, अटल जी ने भेजा था राज्यसभा। अपने अभिनय के जरिए फैंस के दिलों पर राज करने वाली प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी कलाकार से राजनेता कैसे बने यह कम ही लोग जानते होंगे। अभिनेत्री से राजनेता बनने का राज खुद हेमा मालिनी ने खोला मथुरा में। हेमा मालिनी ने बताया कि वह कैसे राजनीति में आई, कैसे भाजपा से जुड़ी और कौन लाया उनको राजनीति में। हेमा ने यह राज मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर केंद्र सरकार द्वारा कराए गए कार्यों को मीडिया के बीच रखने के दौरान खोला। मोदी सरकार के 8 वर्षों के काम को गिराया, केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आयोजित प्रेस वार्ता में सांसद हेमा मालिनी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,30,00,000 बेघर लोगों को घर बनवाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत 5,00,000 तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रति परिवार 18 करोड़ लाभार्थियों को ई कार्ड केंद्र सरकार द्वारा जारी की गए। उन्होंने बताया कि विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में 22,00,000 करोड़ से अधिक का प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया गया तथा प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 45 करोड़ लोगों को बैंकिंग प्रणाली सुविधा से सीधा जोड़ा गया। सांसद हेमा मालिनी ने बताया कि कोरोना काल में दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे पहला डिजिटल टीकाकरण अभियान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चलाया गया, जिसके अंतर्गत 477 दिनों में 190 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज लगाई गई। 20 करोड़ मेक इन इंडिया टीके लगभग 100 देशों में निर्यात किए गए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों की महिलाओं को 9 करोड़ से अधिक मुफ्त गैस कनेक्शन पहुंचाया गया। 11.30 करोड़ किसानों को सीधे स्वचालित रूप से और बिना किसी परेशानी के किसान सम्मान निधि योजना के तहत आर्थिक सहायता मिल रही है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।